केंद्रीय संस्था। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله معزز ومحترم ناظرين اسلام میں مساجد کی بڑی اہمیت ہے ये अल्लाह के घर ज़मीन में सबसे अफजल व बरतर हैं। इन मसाजिद में सुबह और शाम और दिन के दिगर औकात में अल्लाह को बकसरत याद किया जाता है। यहाँ अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। ये मुसलमानों के मराकिज़ हैं, इसमें मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं। इसके अलावा ये खुशहाली अमन व सुकून की जगह है। यहाँ दिलों का तस्किया होता है, अखलाक और किरदार मामलात की इसलाह की जाती है। ये मस्जिदें उखवत व भाईचारगी मसावात व बराबरी का दर्स देती हैं। ये इत्तेहाद व इत्तेफाक के पैगाम को आम करने और इख्तलाफ और इंतशार को ख़त्म करने की जगह हैं। उम्मत की शिराजा बंदी, अमन व आमान, दिलों को जोड़ना, आपसी मोहब्बत व उल्फत पैदा करना और जज्बे एहतराम पैदा करना, ये सब मसाजिद में होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना आए, सबसे पहले आप मस्जिद कुबा और उसके बाद मस्जिद नबवी को तामीर किया और ता हयात आप मस्जिद नबवी के इमाम व खतीब रहे। और आज भी दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान बसते हैं वहाँ पर मसाजिद ज़रूर आबाद हैं और मुसलमान अपने घरों से ज़्यादा मस्जिदों से मोहब्बत करते हैं और इनसे अपने ताल्लुकात को जोड़े रखते हैं। ऐसे वक्त में जब किसी मुकाम पर किसी मस्जिद को नुकसान पहुंचता है या नुकसान पहुंचाया जाता है तो मुसलमान बैर आवाज़ उठकर ठहर जाते हैं। अब इस वक्त हमारे शहर हैदराबाद में सेक्रेटेरिएट की असरनो तामीर की बुनियाद पर दो मसाजिद को मिसमार कर दिया गया। ये मुसलमानों के लिए इंतहाई तकलीफ दे बात है और मैं बहैसियत ज़िम्मेदार इसकी सख्ती के साथ मजम्मत करता हूँ। ये मामला सिर्फ हमारे शहर का ही नहीं बल्कि सारे मुल्क का ये मामला बन गया है और हर तरफ से एहतजाज बुलंद किया जा रहा है, लेकिन इतने एहतजाज के बावजूद भी हुकूमत बिल्कुल खामोशी अख्तियार की हुई है। हम हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि इन मसाजिद को इसी मुकाम पर तामीर की इजाज़त दें। इंशाअल्लाह मुसलमान खुद इन मसाजिद को तामीर कर लेंगे। हुकूमत तेलंगाना से हमारी यही गुजारिश है कि वो मुसलमानों के जज्बात का एहतराम करें। हुकूमत जहां अपने आप को सेकुलर कहती है इसका अमली नमूना भी पेश करे। हुकूमत की जिम्मेदारी है वो मुसलमानों और मुसलमानों की इबादत गाहों की हिफाजत करें, लेकिन हुकूमती सतह पर इन मसाजिद को मुनहदिम करना ये इंतहाई मज़मूम हरकत है। मैं एक मरतबा फिर हुकूमत तेलंगाना से यही गुजारिश करता हूँ कि मज़ीद एहतजाज और इख्तलाफात के बजाय हुकूमत आगे बढ़े और संजीदगी से इन मामलात पर गौर करें और फौरन मसाजिद को दोबारा इसी मुकामात पर तामीर करने की इजाज़त दे। मुसलमान इसकी तामीर तक खामोश रहने वाले नहीं हैं। यह इंतहाई अफसोस की बात है, जहां पर मुसलमानों के दिलों पर बाबरी मस्जिद का बड़ा सदमा है वहीं पर हमारी हुकूमत ने एक से ज़ायद मस्जिदों को मुनहदिम कर दिया है। मैं तमाम अवाम से यही गुजारिश करूँगा, आप सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें और कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे मुसलमानों को या इस्लाम को नुकसान पहुंचे। लेकिन आपसे ये गुजारिश भी करूंगा कि इन मसाजिद के इन्हदाम के बाद खामोश भी ना रहें बल्कि उठें और पुरजोर अंदाज में हुकूमत से मुतालबा करें कि इन मसाजिद को दोबारा उसी मुकाम पर तामीर की जाए। हमें यह बात भी मालूम हुई है।